वेलकम टू आयोन टेक। हम में से काफी लोगों के पास एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट होते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आप लगातार जॉब्स बदलते हैं, जहां अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। सेविंग्स अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए जरूरी है कि उनमें कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखा जाए। अगर आप सारे बैंक अकाउंट का यूज नहीं करते हैं तो उन्हें बंद करा देना ही अच्छा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट कैसे बंद करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी अकाउंट को बंद कराने से पहले देख ले कि उस अकाउंट से कोई ट्रेडिंग अकाउंट तो लिंक नहीं है। अगर आपके इस बैंक अकाउंट से कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है तो सबसे पहले अपने दूसरे बैंक अकाउंट को इस तरह के पेमेंट से डीलिंक कर दे। सभी बैंक्स अकाउंट बंद कराते समय आपसे डीलिंक फॉर्म भराते हैं। इस फॉर्म में आपको अकाउंट बंद कराने की वजह बतानी पड़ती है। अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट है तो इस फॉर्म में सभी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको एक दूसरा फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको उस अकाउंट की जानकारी देनी होगी जिसमें आप बंद होने वाले अकाउंट से बचा पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। आपको अकाउंट बंद कराने के लिए खुद बैंक के ब्रांच में जाना होगा। बैंक आपसे यूज नहीं की गई चेकबुक और डेबिट कार्ड बैंक क्लोजर फॉर्म के साथ जमा कराने को कहेगा। अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा है तो क्लोजर प्रोसेस शुरू करने से पहले उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दें और बैंक अकाउंट का लास्ट स्टेटमेंट अपने पास रखें। तो दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस जिससे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करा सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।